तो बच्चे मुझसे पूछते हैं, मुझे सब कुछ आता है, मैंने सारा सिलेबस कर रखा है, सारे नोट्स पढ़े हैं, सब कुछ आता है, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, लेकिन नंबर कितने हैं? 500, 400, 300, 600, कुछ ही के आते हैं। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ नए आइडियाज आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। कई बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरा स्कोर 500 आया, मेरा स्कोर 450 आया, मेरा स्कोर 550 आया नीट 2023 में, अब मैं क्या करूं? तो अगर आपका स्कोर भी 400 और 600 के बीच में आया है नीट 2023 में, तो आज के वीडियो में हम आपके कुछ डाउट्स को एड्रेस करेंगे। पॉपुलर डिमांड पे मैं आज JP सर को भी साथ में लेके आया हूँ। वेलकम सर। थैंक यू। अब ऐसा है कि सब लोगों के लिए सेम स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती है। पहले देखते हैं कि आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या है और उसके बेसिस पे आपका क्या प्लान होना चाहिए। तो मेरे पास एक मैसेज जो बच्चे का आया है, जिसने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए, तो इस तरह के मेरे पास 5-7 बच्चों के मैसेज आए इसी तरह के कुछ कुछ। सर आई वॉज इन कोई एक 5-letter वाला इंस्टीट्यूट या 6-letter वाला इंस्टीट्यूट जिसका नाम A से शुरू होता है, 2-year क्लासरूम एंड आई स्कोर्ड 524 इन नीट 2023। नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट शुड आई कंप्लीटली प्रैक्टिस फ्रॉम नीट प्रेप टारगेट बैच और शुड आई वॉच वीडियोज। तो पहला आपका क्या थॉट्स है इस पे? करेक्ट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो बोल रहा है 524 आए हैं, आई इज कन्फ्यूज बिटवीन नीट प्रेप टारगेट बैच एंड शुड आई वॉच वीडियोज। तो सबसे पहला उसको डाउट हो रहा है कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा या फिर मुझे फिर से कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ने चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है कि 524 जो स्कोर है इसका ब्रेकअप क्या है एक लेवल पे, तो वो समझना जरूरी है। अगर हम समझे कि 360 उसके बायो में आ गए होंगे तो फिर हो सकता है कि इसे कुछ वीडियोज देखने की जरूरत है, लेकिन हम अज्यूम करें कि 300, 100 ऐसे होंगे तो शायद वीडियोस सारे देखने की जरूरत नहीं है, उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। जहाँ पे कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि सिली मिस्टेक सबसे पहले कम होंगे, उसके बाद इम्प्रूव होगा स्कोर, मुझे ऐसा लगता है। बट एक बार इसका ब्रेकअप जरूर देखना। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या उसके हिसाब से क्या उसकी हेल्प होनी चाहिए जो कि उसके लिए अच्छा रहेगा? मैं आपसे 100% अग्री करता हूँ। पहले आप ये बताएंगे कि आपका गोल्डमैन सैक्स में जॉब क्या था? तो मेरा आई वाज अ बिग डेटा एनालिस्ट ओवर देयर। बिग डेटा में काम करता था और मेरा काम एनालिसिस और इन सब चीज़ों का था। हाँ, तो मतलब ये वो वाली बात है कि हम लोग शॉपिंग के लिए फरारी लेके जा रहे हैं तो हमारे पास गोल्डमैन सैक्स एनालिस्ट है। ओके। ठीक है। तो जैसा JP सर ने कहा कि सब्जेक्ट वाइज कोर्स देखना हमारे लिए पहले ज़रूरी है, तो एक प्रोफाइल इस तरह का हो सकता है। एक बच्चे का मैसेज आया जिसका इस तरह से कुछ स्कोर था, तो इसको क्या करना चाहिए? हाँ, तो मुझे लगता है कि 380-390 यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि थोड़े वीडियोस देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि काफ़ी यहाँ पे 80 स्कोर होना एक तरह से ये दिखा रहा है कि सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी नहीं डेवलप हुई है। 90, 300 स्टिल गुड, मतलब लेकिन पता है सबको आजकल कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा वो है कि आपको 600 से ज़्यादा लाना ही है, तो ये 300 नहीं, ये 320, 330 कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे को थोड़ी वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि ये कितना हुआ टोटल 170, 300, 470 इज मार्क्स, जहाँ पे कि मुझे लगता है कि थोड़ा आपका वीडियो कुछ चैप्टर्स 96 चैप्टर्स भी हैं, तो यहाँ पे एक लेवल पे अगर आप इसमें हो तो अपना थोड़ा चैप्टर वाइज ब्रेकअप करके देखिए, जो कि मुझे लगता है कि फिर उससे पता चला किस चैप्टर में आपके नंबर नहीं आ रहे और उनके वीडियो देखने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है सर, मतलब आई 100% अग्री, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। मतलब इसने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की है, अगर प्रैक्टिस ठीक से करता तो बायो में 300 नंबर तो नहीं आते। ये बात भी सही है कि प्रैक्टिस यहाँ पे काफी करेगा, तो ये है कि 300 का दो, अब दो तरीके से इसको देख सकते हैं आप लोग कि 300 आए हैं और मैंने कुछ चैप्टर पढ़े ही नहीं थे। अगर वो आई थिंक एज केस है, आप जो बोल रहे हो सही बात है कि सारे चैप्टर पढ़ के 300 नंबर आए तो फिर तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और कोई तरीका नहीं है। सही है, बिल्कुल सही बात है सर, विच इज़ वाई आप हमारे साथ हैं, क्योंकि आप ये एज केसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सर अब अगर किसी का स्कोर ऐसा कुछ आया है तो उसके लिए एक्शन आइटम क्या है, आप उसको क्या बोलोगे कि आज उसको क्या करना चाहिए, अगले एक महीने, अगले तीन महीने उसको क्या करना चाहिए? तो आई थिंक यहाँ पे अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो मुझे लगता है एक बार NCERT पढ़ना जरूरी है। NCERT पढ़ लीजिए, अपने नोट्स पढ़ लीजिए, नोट्स बनाए हुए होंगे, नोट्स को जरूर पढ़िए। आपकी जो नोट्स हैं वो भी इम्प्रूव होने चाहिए अगर आपको एग्जाम में मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। तो नोट्स में देखिए कि आपने क्या लिखा है, कहाँ पे कुछ की पॉइंट मिस वगैरह तो नहीं कर दिए। तो NCERT थोड़ा पढ़िए, नोट्स अपने फिर से पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिस करना करिए, टारगेट बैच से करिए, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कम से कम 200 सवाल करिए, मुझे लगता है ऐसा है। आप क्या बोलेंगे इस पे कि उन्हें क्या करना चाहिए इसके बाद?
बिल्कुल सर, आई थिंक आई 100% अग्री। जैसा जेपी सर ने बोला कि जो मटेरियल से आप कंफर्टेबल है वो मटेरियल आप यूज़ कीजिए, और कंसेप्ट्स को भी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपके लिए सवाल प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी है। 300 अगर बायो में आ रहे हैं तो एकदम ये डेड गिव अवे है कि आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है, तो आप टारगेट बैच खुल के प्रैक्टिस कीजिए। टारगेट बैच के आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो ग्रेट, और अगर आप नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टारगेट बैच आप ले सकते हैं, जिसके साथ अभी प्रोडिजी भी अवेलेबल है अगले कुछ दिनों के लिए, जो ऑफर कुछ टाइम में खत्म होने वाला है। ठीक है सर, चलिए एक और प्रोफाइल हम लोग देखते हैं। ठीक है, किसी बच्चे के अगर बायो में 340 आए हैं, फिजिक्स में 90 आए हैं, केमिस्ट्री में 120 आए हैं, तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे टोटल 550 के अराउंड हो रहा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट बायो तो काफी अच्छा है, मुझे लगता है 340 बायो इज क्वाइट गुड स्कोर। आजकल देखिए 360 पे भी लोग खुश नहीं होते, लेकिन 340 काफी अच्छा स्कोर है। केमिस्ट्री थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स में जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे के 90 नंबर इस सवाल से आएंगे, जो कि मोस्टली इजी होंगे, इजी सवाल सारे कर लिए, और जहां पे भी थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होगी वहां पे मिस कर रहा है। तो यहां पे फिजिक्स में अभी एक चक्कर ये है कि फिजिक्स में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अप्लाई करना ही नहीं सीखेंगे। मैं कॉन्सेप्ट तो ये गलती मैंने भी करी थी बाय द वे, कि मैं पूरा एचसी वर्मा पढ़ गया था एक टाइम पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं तो पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, वो तो बायो थोड़े कि उससे फैक्ट्स रट लिए तो सवाल हो जाएंगे। बायो में भी ऐसे सोचना पड़ता है, बट ये चक्कर है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और वो भी ऐसे वाले क्वेश्चंस जो कि कम से कम थोड़े कंसेप्चुअल, जैसे हमारे टारगेट में फीचर है कि आप थोड़े से हार्ड क्वेश्चन उठा सकते हैं, थोड़े से मीडियम क्वेश्चन, तो मीडियम क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ प्रैक्टिस करने चाहिए। मीडियम का मतलब होता है कि 50% to 70% बच्चों ने उसको सही किया, विच इज क्वाइट गुड। मतलब नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं मोस्टली, जहाँ पे 70% to 90% वाले होते हैं जो कि बिल्कुल ईजी होते हैं, 70% to 100% वाले बोलिए, और 50% to 70% वाले होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करने चाहिए, मुझे लगता है उससे ये काफ़ी स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। केमिस्ट्री में भी समथिंग सिमिलर, आई थिंक केमिस्ट्री में चूंकि बच्चे ने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थोड़े ज़्यादा स्कोर कर लिए होंगे, तो ऐसा हो सकता है। ये तो मेरा सोचना है, आप बताइए कि आपके अनुसार यहाँ पे क्या बच्चे को करना चाहिए जो कि सबसे फ्रूटफुल रहेगा। मैं वैसे आपसे तो अग्री करता हूँ कि इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत तो बहुत है, और वो वाला एंगल भी सही है कि अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं तो प्रैक्टिस करने से स्कोर बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इसको एक और एंगल की तरह देखता हूँ कि अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं तो कंसेप्ट वीक है। अब कंसेप्ट स्ट्रांग करने का एक तरीका है प्रैक्टिस करना, एक और तरीका है कुछ ना कुछ लेक्चर को देखना। तो अब वो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको लगता है कि आपका स्टडी मटेरियल एक अच्छा सोर्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कुछ वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए। तो जैसे हमारा न्यूक्लियस बैच है जिसमें वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो बच्चे टारगेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए न्यूक्लियस अभी एक स्पेशल डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जब आप नीट प्रेप की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको सामने नजर आएगा कि आपको न्यूक्लियस किस डिस्काउंट पे अवेलेबल है, आप अभी जाके नीट प्रेप की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं अगर आप टारगेट बैच के स्टूडेंट हैं तो। एक बार आपको ये भी दिखा देते हैं कि न्यूक्लियस बैच कैसे होगा। जब आप टारगेट बैच खोलोगे तो कम से कम एक फुल सिलेबस टेस्ट तो आप दीजिए। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो आपको उसमें नजर आएगा कि आपके कहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने नीट के स्कोर को देखकर ही एनालाइज कर सकें कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसका मतलब वो सब चैप्टर्स तो आपको रिव्यू करने की जरूरत है, और वो रिव्यू आप चाहे अपने मटेरियल से करें चाहे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करें। अगर आप वीडियो से करते हैं तो आई थिंक न्यूक्लियस उसके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि आप डायरेक्टली वहां जंप कर सकते हो जहां पर आपकी वीकनेस है। आप अगर कोई लाइव क्लास का वेट कर रहे हो तो वो जब अपने सिलेबस के हिसाब से होगा तब वो चीज़ कवर होगी, पर आपको तो आज ज़रूरत है, आपको पता है कि आपकी वीकनेस कहाँ है, तो आप आज ही उसका एक वीडियो लेक्चर उठा के देखो, चाहे यूट्यूब पे आप देख लो उठा के कि ये वाला जो चैप्टर है इसको कैसे कवर करना है। तो अब एक और प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के लेट्स से बायो में 330 आए, फिजिक्स में 110 है और केमिस्ट्री में 90 है, तो इसमें आपको क्या लगता है? अब ये थोड़ा ट्रिकी होता जा रहा है क्योंकि ये पिछले वाले से सिमिलर दिख रहा है इन सम सेंस। 330 + 440 + 530 तो पिछले वाले से 20 नंबर कम है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अभी यहाँ पे वही है कि यहाँ पे प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा जरूरी दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स में 110 है, तो मुझे लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी समझ तो मतलब समझ है, चीज़ें पढ़ चुका है। केमिस्ट्री में शायद इसलिए कम हो सकता है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कवर ना हुआ हो, तो मुझे लगता है यहाँ पे मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी अच्छे स्कोर पे 530 का मतलब अच्छा स्कोर है, ऐसा नहीं है बुरा स्कोर है। देखिए इंडिया में मेडिकल सीट्स कम है तो इतना ज़्यादा वो मचा हुआ है कि 650 को भी लोग अच्छा नहीं मानते। अच्छा स्कोर है, बच्चे ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, एक साल जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे मुझे लगता है कि
सारे सब्जेक्ट्स में नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन एज आई सेड कि चूंकि आपकी तैयारी एनसीईआरटी नोट्स ये सब इंक्लूडेड है, आप प्रैक्टिस तभी करना शुरू करें जब एक बार अपना पुराना देख लें नोट्स एनसीईआरटी, एक बार जो है उसको पलट के देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चले जाएंगे तो आपको सारा याद आ जाएगा, तो एक बार आपको देखना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कर रखा है उसको दोबारा देख लिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वहां पे जो नई चीजें मिले उसको नोट्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है सर, आई थिंक दैट्स गुड एडवाइस। और आप खुद भी स्मार्ट हैं, ऐसा है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके आपसे गलती क्यों हो रही है तो एक बार खुद से पूछिए और ट्राई कीजिए कि खुद से झूठ ना बोलें। हाँ, एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए राहिल आपने बहुत बढ़िया बात निकाली है, आप खुद भी स्मार्ट हैं, आप पहली बार लाइफ में एक ऐसे लेवल पे हैं जहां पे कि आपका करियर आपके हाथ में है ना, मोस्टली आपके पेरेंट टीचर सब गाइड हैं, हम लोग भी एक गाइड की तरह है ना, आप दो तरह के हैं, आप डूअर भी हैं और आप भी इम्प्लीमेंटर भी हैं, आप ही को देखना है कि इम्प्रूव भी कैसे करना है, प्राइमरी आप ही हैं, लोग अपना एडवाइस जरूर दे सकते हैं जैसे हम लोग अभी दे रहे हैं। तो पहले क्या होता था 10th तक कि जनरली जो टीचर ने बोला उसको फॉलो करना है सीधा सीधा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 11th 12th में सिलेबस काफ़ी है, कहीं कहीं पे गड़बड़ है, आपको खुद सोचना है कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है और मुझको इसे ठीक करने के लिए क्या करना है, और आगे लाइफ में ऐसा ही आपको करना है। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो जो ही नहीं दूसरे डॉक्टर से पूछ के दवाई दे रहे होगे, आपको खुद सोचना है कि पेशेंट की क्या दिक्कत है और यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बार ऐसी बीमारी नहीं आएगी जो आपने बुक में पढ़ी होगी, ऐसा केस नहीं आएगा जो आपने पहले देखा होगा, कई बार नए केसेस आएंगे बिल्कुल। तो उस हिसाब से पहली बार आप लाइफ में ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना सीखना शुरू करना चाहिए। राइट, बिल्कुल। तो अगर एकदम इसको इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि आपने सिली मिस्टेक की है या फिर आपको कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है, मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है या आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ये आप एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं 10 मिनट पहले जेपी सर से ये चीज़ पूछ रहा था कि इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, अगर मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं या फिर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, मुझे नहीं पता चल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं? तो सर ने मुझे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया जो अब आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो सर इसको आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, तो देखो देखिए ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, आप लोग उससे हंस लीजिए, लिटरली वो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन देखिए आपका एग्जाम क्या होने वाला है, 97 चैप्टर्स होने वाले हैं और वो सारा आपको 3 घंटे के अंदर करना है और उसमें आप 650-700 लाना चाहते हैं, तो 97 ओल्ड है और न्यू में कम चैप्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसा है कि आपको पता है कि उतना एग्जाम 3 घंटे में 720 नंबर लाने हैं, लेकिन जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें चेंज करके देख सकते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो एक जो सही चीज़ है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स होता है, ये एक जनरल प्रिंसिपल है ना, आपको कुछ भी प्रॉब्लम में अटके हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा कंस्ट्रेंट जो है जो कि मैं हटा के फिर से इस प्रॉब्लम को देख सकता हूँ, ये एक जनरल स्ट्रेटजी है, हर जगह पर बताया जाता है इसका कुछ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट, तो मैं रहील सर से बोल रहा था कि ऐसा ट्राई कर सकते हैं क्या बच्चे कि 3 घंटे की जगह मान लीजिए 4 घंटे में मुझे एग्जाम कंप्लीट करना है, हर बार आपको लगता है एग्जाम में टाइम खत्म हो जाता है, 4 के आप 6 घंटे ले लीजिए, 6 घंटे लगा के भी आप 700 नंबर ला सकते हैं क्या? अगर नहीं ला सकते तो टाइम को कम करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप तो उससे तभी भी आपको ज्यादा टाइम दे दिया गया तब भी नहीं पूरे मार्क्स ला पाए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि पूरे टाइम दे दिया गया तो आपके पूरे मार्क्स आ गए तो कम से कम आपको पता है कि अब मुझे टाइम इंप्रूव करने की जरूरत है, है ना। तो ये इसलिए कंस्ट्रेंट मुझे लग रहा है कि हेल्पफुल हो सकता है। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है और मैं 700 नंबर ला रहा हूँ तो मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसमें कि आप काफ़ी टाइम लगा देते हैं, जैसे हम लोग का भी ईगो आ जाता था किसी क्वेश्चन में 1.5 घंटे लगा दिए तो गड़बड़ हो गई ना, वो क्वेश्चन छोड़ना था। नहीं सर, अब आप और मैं ईगो पे नहीं लेते हैं, तभी हम लोगों ने कैट क्लियर किया है। हाँ बिल्कुल, तो कैट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे कि हम दोनों आई एम अहमदाबाद से हैं बाय द वे, तो आई थिंक वो एग्जाम ऐसा होता है जहाँ पे कि आपको लगे क्वेश्चन हार्ड है सबसे पहले उसको छोड़ना है, नीट में भी बिल्कुल यही करना है, क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो सबसे पहले उसको छोड़ देना है, उसको टच ही नहीं करना। वो होता है जो क्रिकेट में कि आउट स्विंगर को टच मत करो, वैसे कुछ करना है कि छोड़ दो उसको, भूल जाओ कि क्वेश्चन में पेपर है। बिल्कुल, लास्ट में टाइम बचे तो फिर कर सकते हैं। फिर सर ये दूसरी चीज का ये बताइए। हाँ, मतलब अब दूसरा ये है, आई थिंक जो हम 400 से 600 की बात कर रहे थे, किसी भी स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपको 650-700 लाने हैं, है ना, आपके एग्जाम में नंबर आ रहे हैं लेट से 200-150-100 जो भी कुछ भी आ रहे हैं, है ना, बहुत खराब हो रहा है, आप दोनों कंस्ट्रेंट हटा लीजिए, आप टाइम भी हटा लीजिए, आप अपने
आप सारे नोट्स मत रखिए, मतलब सारे बुक लेके बैठ जाएंगे तो फिर तो मतलब उस चीज का मतलब नहीं रखेगा, लेकिन मिनिमल कंस्ट्रेंट हटा के देखिए कि नोट्स जो आपने क्लास में लिखे, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नोट्स, वो लेके बैठ जाइए कम से कम। एंड उसके बाद देखिए कि 4-5 घंटे दे दीजिए अपने आपको टाइम, और देखिए कि आपसे 700 नंबर आ रहे हैं क्या, है ना। क्योंकि आप सारे कंस्ट्रेंट हटा दिए तो नंबर भी तो ज्यादा आने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको इससे ये सीखने को मिलेगा कि आप कितनी बार आप नोट्स रेफर कर रहे हैं, मतलब आपको चीजें याद नहीं, आपने इनफ या तो उसको याद नहीं किया है या फिर इनफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचा नहीं है, अपने आप दिमाग में नहीं आ रहा है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिसिंग है। तभी आपको बुक रेफर करने के उससे भी ये भी पता चलेगा कि अगर मान लीजिए ये सब कंस्टेंट लगा के भी अगर आपके 500 नंबर आ रहे हैं तो बहुत बड़ी कंसेप्चुअल आपके साथ हुआ है ना, आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए बोल रहे हैं कंस्टेंट हटा के। तो देखिए ये दोनों चीज़ मैंने नहीं किए, लेकिन ये आइडिया की तरह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसे बच्चे आते हैं जो कि फंसे होते हैं और बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं, है ना। मुझे लगता है उन बच्चों को इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाहिए, कंस्टेंट हटा के देखना चाहिए, ताकि पता चले कहाँ पे अटके हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि नोट्स मैं एक छोटी सी कॉपी लेके बैठता हूँ उससे भी नहीं, मुझे सारे नोट्स लेके बैठने पड़ते हैं, फिर तो आपने मतलब हर चीज़ को गलत तरीके से याद कर रखा है, तभी तो आपको सारी चीज़ देखने पड़ी। तो मुझे लगता है एक बार मैं रहील सर से डिस्कस कर रहा था, हमारा आइडिया है, हम लोगों को अच्छा लगा, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं, छोटे पे ट्राई करके देखिए। जरूरी नहीं है कि 200 क्वेश्चन पे ट्राई करिए, इस आइडिया को मे बी आप 50 क्वेश्चन पे भी ट्राई करके देखिए, है ना। कम से कम 200 नंबर आ तो जाए, आपको अच्छा तो लगे कि हाँ ये 50 क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए थे टाइम कंस्ट्रेंट के साथ या थोड़े नोट्स के साथ भी, है ना। थोड़ी अभी के लिए मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट से आपको आइडिया लग सकता है कि दिक्कतें कहाँ हैं आपके। सर मुझे पक्का पता है कि अभी कुछ बच्चों को ये आपकी बात सुन के लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मेरे पास सारे नोट्स होंगे तो मैं फुल मार्क्स लेके आ जाऊंगा। हाँ। ये चैलेंज मैं आपको देता हूँ कि आप एक बार 720 में से 720 लाइए। हाँ। ना टाइम का कंस्ट्रेंट और ना नोट्स का कंस्ट्रेंट, ये नहीं कि आप सेम सवाल ढूंढकर हाँ। और उसका आप सोल्यूशन देख रहे हैं, वो आपको अलाउड नहीं है। लेकिन कम से कम आपको उतना वो रखना पड़ेगा, अब कंप्लीट करिए। हाँ, तो वो आपको अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक चीट शीट है, एक आपके पास लेट्स से A4 साइज पेपर है जिसमें आपने सारे फिजिक्स के फॉर्मूला लिख रखे हैं, एक A4 साइज पेपर है जिसमें आपने केमिस्ट्री के सारे जो भी फॉर्मूला है, जो भी इक्वेशन है, वो सब आपने लिख रखा है, और बायो में तो शायद आपको कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। हाँ। ये चीज़ आप लेकर बैठे हैं और फिर भी अगर आप 720 नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो इसका मतलब कंसेप्ट में आपकी चीज़ें मिसिंग है। और ऐसा होता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। हाँ, क्यों हम दोनों आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैंने तो IIT में काफ़ी सारे एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होते थे जिसमें हमें सारे बुक्स ले जाने अलाउड होते थे, सारे नोट्स ले जाने अलाउड होते थे, तब भी मतलब 100 में से 50 आने मुश्किल होते थे। एम्बेरसमेंट है लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ओपन बुक होने से ऐसा नहीं होता कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो बुक क्या, उसके अलावा जो भी दीजिए। आपने भी ओपन बुक एग्जाम दिए होंगे, इनफैक्ट IIM में भी कुछ एक आध हुए थे मुझे याद है, और जहाँ पे मुझे लगा था कि यार ये बुक दिए भी है तो कोई फायदा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं हो पाए हैं तो क्या करूँ मैं उसका। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस, मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सारे रिसोर्सेज सारा टाइम दे दिया होता तो हो जाता, लेकिन तब भी नहीं होता है। आपके 700 में से तब भी हो सकता है 500 है, एम्बेरसिंगली 400 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको लग सकता है कि मैं सारा कुछ कर लूँगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको लगेगा कि शायद आप 4 घंटे बैठ भी नहीं पाओगे, ऐसा भी हो सकता है ना। छोटा एग्जाम देखे देखिए वो भी हो सकता है। इनफैक्ट एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप ये वाला कंस्ट्रेंट हटा दें और हाँ। दूसरा कंस्ट्रेंट वापस ले आएँ हाँ। कि 3 घंटे हैं हाँ। लेकिन नोट्स आपके पास अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत बढ़िया आपने आइडिया दिया है। मुझे लगता है बच्चों कंस्ट्रेंट को हटा के जो इधर आप जो बोल रहे हैं ये भी, कि 3 घंटे ही हैं, थोड़े बहुत नोट्स वो अलाउड हैं, है ना। या चीट में मान लीजिए 3 घंटे हैं, कैलकुलेटर अलाउड है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा चीट हो जाएगा भाई जो है कुछ कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ये आइडियाज़ हैं, है ना, आप अटके पड़े हैं तो ये आइडियाज़ हैं ट्राई करने के लिए, जिससे कि आपको पता चले आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ये जानना जरूरी है कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको पता करोगे कैसे सोल्यूशन है। लेकिन आप गलत चीज़, आपको लगता है मुझे सब कुछ आता है और तब भी नहीं मेरे नंबर आ रहे हैं, तो ये सवाल पूछेंगे तो आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं दे पाएगा। और ऐसे सवाल मेरे पास काफ़ी आए हैं। मैं सबसे ज़्यादा दुखी इस मतलब सवाल से नहीं दुखी होता, लेकिन मुझे बच्चों से वो उनकी हालत देख के दुख होता है कि उन्हें लगता है उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ तैयार है, फिर भी नहीं नंबर है।
अब इससे बुरी बात क्या हो सकती है,